चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन ये जो आपका फॉर्म है ये लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का है। क्या किया जाए, तो इसमें हमेशा हम लोग दो इस लीनियर को ऐसे ब्रेक करते हैं दो पार्ट में, कि एक पार्ट जो होता है आपका क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव होता है और दूसरा कांस्टेंट पार्ट आता है ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से मैच हो जाता है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद वो डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेट हो जाता है। तो ये बड़ा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, या क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन का, वो टू एक्स आएगा। तो हम लोग पहले तो इसको यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो इट कुड बी रिटेन एज ए इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स एंड माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच गया। यहां हम फॉर्मूला प्लेस कर सकते हैं वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होता है आपका लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका तो हम लोग रख सकते हैं। खैर चलिए इसको हम लेट कर लेते हैं, से आई वन है ये इंटीग्रल और माइनस ये इंटीग्रल क्या हो गया आई टू, ठीक है। लेट कर लिया हमने ऐसा, वेयर जो आई वन है, वेयर आई वन इज इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स है, ठीक है। अच्छा इसे इक्वेशन नंबर वन नाम देते हैं, बाद में इसे हम इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू आंसर निकाल के वहां प्लेस कर देंगे। खैर अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या है आपका, इसका डेरिवेटिव है 2x, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से क्या कर लिया डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो, आपको ये पता है कि इसका डेरिवेटिव है तो यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग लगा देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू टी, ठीक है। या जब भी स्क्वायर रूट हटाना होता है तो हम लोग टी स्क्वायर रिज्यूम करते थे, तो टी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x dx equals to, तो 2x dx equals to आपका 2t dt हो जाएगा। अब देखिए अब कैंसिल कर सकते थे 2, लेकिन कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैनेज कर चुके हैं। अगर मैनेज आप नहीं किए हैं तो आप 2 कैंसिल कर दीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा ये इंटीग्रल 1/2 और ये हो जाएगा 2t dt और नीचे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट टी स्क्वायर, तो ये टी आ जाएगा और ये क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया, ये टू बाहर आएगा, ठीक है, यहाँ से इंटीग्रल से, और ये इसे कैंसिल हो जाएगा, पूरा ही ख़त्म हो गया आपका, सिर्फ क्या बचा आपका वन डी टी बचा, और वन डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपका टी आ जाएगा और प्लस कुछ इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी वन हो गया। और टी आपका क्या है डमी वेरिएबल है ना, तो टी हमने किसको एज्यूम किया है, तो टी स्क्वायर रिज्यूम किया था एक्स स्क्वायर माइनस वन को, तो टी आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका आंसर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कुछ इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी वन हो गया। यहीं पे हम रख देते हैं आई टू, तो आई टू क्या है हमारा, आई टू आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, और ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेबल फॉर्म में डायरेक्ट है, इसे कोई भी मैनेज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला प्लेस करना है। यहाँ पे क्या है ये फॉर्म आपको अपीयर है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ ए आपका क्या है ए स्क्वायर, मतलब वन को ऑलरेडी वन का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, है ना, तो ए आपका वन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका दैट कुड बी रिटन एज ए लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट कुछ क्या हो गया आपका सी टू हो गया। अब यहाँ से आई वन की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आई वन और यहाँ से हम क्या करेंगे आई टू की वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग प्लेस कर देंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, आप इसके बाद प्रोसीड करिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आई वन की वैल्यू हमने रख दी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी वन, ठीक है, और आई टू की वैल्यू हमने प्लेस कर दी यहाँ पे इक्वेशन वन में
से ये आई वन था और माइनस आई टू, आई टू आपका हो गया लॉग ऑफ ये लॉग विथ बेस ई होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और अंदर आपका प्लस सी टू है, ठीक है। अब देखिए अगर ये माइनस साइन ओपन करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दो इंडेफिनिट कांस्टेंट यहाँ पे हो गए C1 और माइनस C2, और C1 माइनस C2 को कलेक्टिवली आपको ये नया कांस्टेंट आएगा उसे हम C लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से C1 और C2 को हटा के हम प्लस C लिख दे रहे हैं। वेयर C क्या आपका है C1 माइनस C2, एक इंटीग्रल में आप एक ही इंडेफिनिट कांस्टेंट देते हो क्योंकि सारे इंडेफिनिट कांस्टेंट का जो एल्जेब्रिक सम या डिफरेंस जो भी होगा कोई एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट आएगा, तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया।